हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टेक जड़िया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कैलेंडर होता है, न्यू ईयर कैलेंडर जो होता है, उसके बारे में आपको डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा कि उसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो डेट जो है ये लगी हुई है, ये मैंने पहले से बना लिया है क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये मैंने बना लिया पहले से ही डेट वाली चीज़ें जो मंथ जो होती हैं। और इसमें जो ये देखिए, जो कलर जो मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको कलर आप इस तरह से बॉक्स मैंने लगा दिए हैं, आप कलर जिस तरह से चाहें चेंज कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी बेस का कैलेंडर बनाना है तो उस तरह से बना सकते हैं, जैसा कि मैंने ये BJP का कलर जो मैंने लगाया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सब लोगों को लगा दिए हैं, जैसा कि मैं BJP का एक कैलेंडर बनाने जा रहा हूँ। तो ऊपर का ये कलर देखिए, ये अलग तरह का कलर है। अब मुझे BJP बैकग्राउंड बनाना है, तो मुझे क्या करना है कि जो बड़ा वाला जो कलर है इसको मैं पहले ये कर लेता हूँ, उसके बाद इसको ग्रीन कर लेता हूँ। अब ये ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हो गया, ये बन गया BJP का कलर। अब मुझे क्या करना है, फाइल में आना है, इम्पोर्ट में जाके इसके जहाँ पे जो इमेज लगानी है वो इमेज लानी है। तो वो इमेज भी मैंने एडिट कर ली है फोटोशॉप से पहले ही, तो उसको यहाँ पे लगाना है। और वो इमेज जो है वो नरेंद्र मोदी जी की इमेज है। तो दोस्तों इमेज को कैसे एडिट करते हैं उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर लेकर आऊंगा। तो ये देखिए, मैंने इमेज को एडिट कर लिया पहले से ही और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने इनकी नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लगा दी यहाँ पर, और इसको यहाँ पर ये इफेक्ट में जाकर पावर क्लिप वाला जो ऑप्शन है उसके जो है इस बॉक्स के अंदर मैं इस फ़ोटो को कर देता हूँ, उसके बाद इसको सेट कर लेता हूँ। अब ये कैलेंडर का जो बैकग्राउंड में जो फ़ोटो लग गई है, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मुझे टाइप करना है जो मैटर मुझे न्यू ईयर पे टाइप करना है उसको मैं टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे न्यू ईयर पे बधाई देनी है तो बधाई वाला मैटर मैं टाइप कर लेता हूँ, नए वर्ष 2019 इस तरह से लिखकर। फॉन्ट का कलर जिस तरह से चेंज करना चाहे चेंज कर लीजिए, आउटलाइन उसकी जिस तरह से देना चाहे पेन टूल में जाकर उसकी आउटलाइन दे दीजिए, अब ब्लैक करना ब्लैक कर लीजिए, जो जैसे कि आपको फॉन्ट्स को हाईलाइट करना है उस तरह से आप करके उसको सेट कर लीजिए। और उसकी आउटलाइन काफ़ी थोड़ी मोटी है तो उसको पतली कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद जो है दोस्तों क्या करना है कि इसको कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर और चीज़ें टाइप करनी है। दोस्तों कैलेंडर ये बना हुआ है, ये मैंने पहले से ही डेट वेट इसमें सब लगा ली है क्योंकि उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और दोस्तों ये कैलेंडर की जो डेट्स हैं वो मैंने पहले ही टाइप कर ली हुई बना लिया है क्योंकि उसको बनाने में टाइम लगता है और उसको बनाऊंगा तो बहुत वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको पहले से बना लिया है। और मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैलेंडर्स को किस तरह से बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो डेट जो है वो मैंने बना दी है और उसका इस फाइल का मैं लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ये फाइल कॉपी कर लीजिए और मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके आप उसमें जो भी एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने डेट ये बना ली है, अब वो आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करेंगे बनी बनाई। अब आपको इसमें मैंने ये सिर्फ बताया वीडियो में कि आपको किस तरह से इसका बैकग्राउंड सेट करना है, कैसे क्या करना है, जिस पर्पज़ से आपको बनाना है कैलेंडर उस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप किसी पार्टी का नहीं सिंपल सा बनाना चाह रहे हैं तो आप कोई भी बैकग्राउंड देकर और किसी का भी फ़ोटो लगा कर उसका नाम देकर नीचे इस पट्टी में उसका नाम देकर और उसके उसके तरफ से शुभकामनाएं देकर उसका कैलेंडर बना सकते हैं। ये दोस्तों जो है 20-30 का हाफ साइज़ का कैलेंडर है दोस्तों, जो कैलेंडर है ये मान के चलिए 15-20 साइज़ का ये कैलेंडर है, जो कि ये मैक्सिमम साइज़ का कैलेंडर होता है जो बहुत चलता है मार्केट में, जो आप बांट सकते हैं न्यू ईयर पे, नए साल पे आप किसी को देना चाहें उस तरह से। तो ये दोस्तों इस तरह से बनता है, मैंने सिर्फ ये बताया कि कैलेंडर को किस तरह से तैयार करते हैं। तो कुछ करना नहीं दोस्तों, बहुत ही ईजी है। वीडियो में देखिए किस तरह से मैंने सब बनाया हुआ है, सब टाइप किया हुआ है, मैटर टाइप करके आपको लगाना है, बस कैसे क्या करना है सेटिंग करनी है। आप चाहें तो इससे अच्छी बना सकते हैं कैलेंडर डिज़ाइन, और इससे अच्छा आप कर सकते हैं। दोस्तों ये कैलेंडर देखिए तैयार हो गया, इसमें इस तरह से ये कैलेंडर आपका रेडी हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, अगर मैं इसी को दूसरी पार्टी में बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना हो, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं इस कैलेंडर को। अब जैसा कि मैं चाहता हूं कि मैं इसको कांग्रेस पार्टी का कैलेंडर बना दूं, तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, इसमें से कुछ चीज़ें हटानी होंगी। तो मैं इसको अनग्रुप करता हूं, यहां से ये सब चीज़ें हटानी है मुझे,
ये लोगो हटाना है, ये सब चीज़ें हटानी है। अब ये जो इसका बेस कलर जो मैंने बीजेपी का दिया है उसको चेंज करना है, वो मैं कोई भी दे सकता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों जो है इसको हटाना है, कलर जो है इसका जैसे बीजेपी टाइप का कलर है तो इसको मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, दूसरा कोई कलर दे देता हूँ जो कि अच्छा लगे। दोस्तों बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था जो फ़ोटो इसमें लगते हैं, फ़ोटो कैसे एडिट करके लगाते हैं, उसके से क्या है मतलब। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर आऊँगा उसमें फ़ोटो के ऊपर ही लेकर आऊँगा, फ़ोटोशॉप से उसको कैसे क्या करते हैं, जैसे बैनर में या फ़ोटो में कुछ तरह लगाते हैं तो उसको फ़ोटोशॉप से पहले कैसे एडिट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों देखिए मैंने सब यहाँ से हटा दिया है, अब मुझे इसको कांग्रेस कलर में इसको जो है कन्वर्ट करना है झंडे को। तो यहाँ पे देखिए फिल टूल्स में आया हूँ, फिल टूल्स में आने के बाद जो है यहाँ पर आप कस्टम वाले पे आप ऑप्शन पे लगाएंगे, कस्टम वाले ऑप्शन पे लगाने के बाद ये इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दो साइड में लाइनें दिख रही हैं उसको क्लिक करके उसके ऊपर आप ऑरेंज लगा लेंगे, फिर बीच में सेलेक्ट करेंगे, बीच में सेलेक्ट दो बार सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको वाइट कर लेंगे और इस तरह से उसका ये कॉर्नर वाला इसको पर क्लिक करके आप ग्रीन कर लेंगे। अब ये ट्राई कलर हो गया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं 40 डिग्री पर और इस तरह से ये आपका ट्राई कलर हो गया, ये जैसे कि कांग्रेस का कलर हो गया, कांग्रेस का बैकग्राउंड ये इस तरह से बन गया ट्राई कलर में। थोड़ा इसको जो है बोल्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्लिक और करेंगे उस पर जो है क्लिक ये करके ऑरेंज कर देंगे, डार्क हो जाएगा, इसको ग्रीन कर देंगे इस तरह से। अब ये आपका ट्राई कलर तैयार हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर फाइल में जाकर इंपोर्ट में जाकर अब मुझे यहाँ पर राहुल गांधी की फ़ोटो लगानी है क्योंकि मैं कांग्रेस के ऊपर एक कैलेंडर बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप किसी भी पार्टी का बनाना चाहें इस तरह से आप बना सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर। अब इसको भी मैं अरेंज में जाकर पावर क्लिप वाले ऑप्शन से इसको इस बॉक्स के अंदर कर देता हूँ, फ़ोटो को साइड में कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ये बनता है, इसको आप चाहें तो कोई भी पार्टी का कैलेंडर आप बना सकते हैं और बहुत ही ईजी में। और अगर आप पार्टी बेस नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, किसी पर्पज़ से किसी के दुकानदार का या किसी का भी कोई भी बनवाना चाहे अपना प्रचार प्रसार करने के लिए तो उस तरह से आप कैलेंडर बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ नाम चेंज कर दिया है इस तरह से और इसकी आउटलाइन ये चेंज कर दी है, कलर चेंज कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों आगे किस तरह की वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर इस तरह से मैंने ये यहाँ पर इनका जो है ये यहाँ पर लगा दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ जो पॉकेट कैलेंडर जो आता है जो पॉकेट में रखने वाला छोटा वाला कैलेंडर आता है उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों पॉकेट कैलेंडर भी बनाना बहुत इजी है, यहाँ पे मैंने ये सेट कर दिया, इनका लोगो यहाँ पे लगा दिया है नीचे, थोड़ा सा इसको छोटा करके लगा देता हूँ इस तरह से साइड में ये। तो दोस्तों ये अब कांग्रेस पार्टी का कैलेंडर तैयार हो गया। तो दोस्तों बहुत से लोग मुझसे खफा हो गए थे कि मैंने बीजेपी के ऊपर कैलेंडर क्यों बनाया है। तो दोस्तों मैं किसी के ऊपर किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैलेंडर कैसे बनता है, किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए मैंने दोनों ही बना दिया है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई इस बार खफा ना हो मुझसे, ओके दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पॉकेट कैलेंडर मैंने पहले ही से तैयार कर लिया हुआ है, इसके नीचे जो ये ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं इसमें आप नाम जिसमें जिसका भी नाम आप टाइप करना चाहें टाइप कर लें और जिसका भी एड्रेस देना चाहें जिसका प्रचार प्रसार करना चाहें उस तरह से कर लें। ये बॉक्स इसीलिए नीचे पोर्शन छोड़ा गया है, बाकी कैलेंडर जो डेट्स हैं वो तो पहले से ही बनानी पड़ेंगी क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बना दी है। और दोस्तों मैंने ये डेट बनाने के बाद जो है इसका जो है लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ये पूरी फाइल एज इट इज़ जो है दोनों फाइलें वो वाली और ये पॉकेट डायरी वाली जो फाइल है ये बनी हुई है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जो है आप इसमें कन्वर्ट करिए कोई भी डिज़ाइन आप किसी की भी। तो दोस्तों फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा कैलेंडर आपको ऐसे ही बना बनाया मिलेगा, आपको बस उसमें खाली चेंज करना होगा, थोड़ा बहुत चीज़ें जो चेंज करनी होंगी आप चेंज करिएगा।
और अपनी डिज़ाइन बनाइएगा और अपना प्रचार प्रसार करिएगा आराम से। इसीलिए दोस्तों मैंने ये फाइल जो है इस फाइल का डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है ताकि आप लोगों को कैलेंडर बनाना ना पड़े, उसकी डेट्स बनानी ना पड़े क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो दोस्तों उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से डिज़ाइन करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने अपना जो है ऐड किया हुआ है, यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ऊपर नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मैंने अपना टेक जलिया नाम डाल दिया है। अब इसका जो ये बॉक्स लगा हुआ है, इस बॉक्स को आप चेंज करना चाहें तो कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं, ये कोई पार्टी बेस्ड कैलेंडर नहीं है, आप इसको किसी तरह से भी कोई भी कलर देना चाहें तो इस तरह से कलर दे सकते हैं। रेड चाहे रेड कर दीजिए, पिंक चाहे पिंक कर लीजिए, जो भी कलर चाहें वो आप इसको कर सकते हैं। और दोस्तों मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ वो सबसे पहले आप लोग देख सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। ये आपकी पॉकेट डायरी हो गई दोस्तों, पॉकेट डायरी जो छोटी वाली होती है उसको किस तरह से बनाते हैं ये मैंने इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ओके दोस्तों चलता हूँ मैं, फिर कुछ नया लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जिसको फोटो के बारे में बताऊँगा, फोटोशॉप में किस तरह से फ़ोटो एडिट करते हैं बैनर में या पोस्टर में लगाने के लिए, तो उसकी तैयारी करनी है मुझे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये फाइल आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मैंने दिया हुआ उसको डाउनलोड करिए और अपना खुद का एक बढ़िया कैलेंडर डिज़ाइन करिए और बनाइए और इन्जॉय करिए। ओके दोस्तों चलता हूँ मैं, ओके बाय।